सेक्स और हस्त मैथुन में क्या फर्क है, इसके बारे में आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गिरेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला, यहां पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। एक्चुअली सेक्स और मास्टरबेशन में एंड रिजल्ट वाइज कुछ फर्क नहीं है, दोनों सही है। प्रोसेस में फर्क हो सकता है। प्रोसेस में क्या फर्क है कि जब सेक्स करते हैं तो योनि में लिंग का प्रवेश होता है, और योनि में लिंग का प्रवेश होने के बाद में लिंग को अंदर बाहर करके इजैकुलेट किया जाता है योनि में। सेक्स में क्या होता है कि सेक्स में फोरप्ले है, फिर इंसर्शन है, मतलब सेक्स है, इंटरकोर्स है, और बाद में आफ्टर प्ले है। ये पूरा सेक्स में प्रक्रिया, तीन चीजें होती है सेक्स में। मास्टरबेशन में क्या होता है, मास्टरबेशन में सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि भाई अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी जो है, वो जो अर्ज है, डिजायर है, उसको हल्का करो, उसको चैनलाइज करो। तो फिर ये लोग वो पेनिस को, मतलब लिंग को, हाथ से या मुट्ठी से हिलाते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, और हाथ से और मुट्ठी से हिला के फ्रिक्शन करके इजैकुलेट कर डालते हैं। तो मास्टरबेशन में ना फोर प्ले होता है, ना आफ्टर प्ले होता है, सिर्फ प्ले होता है, मतलब इंटरकोर्स जैसा होता है, और फ्रिक्शन करके, पेनिस का फ्रिक्शन करके इजैकुलेशन किया जाता है। दोनों में भी वीर्य का नाश ही होता है। लोग क्या बोलते हैं, नहीं मास्टरबेशन में मैंने बहुत वीर्य का नाश किया, मेरा बहुत सारा वीर्य गया, और वो वीर्य जाने से अभी मुझे बहुत कमजोरी आ गई। फिर मैं पूछता हूँ, अरे भैया फिर आप सेक्स जो लोग करते हैं तो उनका वीर्य कहाँ जाता है? नहीं, बोले उनको बच्चे होते। मतलब भाई बच्चे कितने होते? एक बार आपने सेक्स किया तो 1 ml में 60 से 120 मिलियन, मतलब 612 करोड़ शुक्राणु होते। मतलब ऐसे देखा जाए तो 6 से लेके 12 करोड़ तक बच्चे हो सकते एक एक्ट में। जब सेक्स करते हैं तो 6 से 12 करोड़ शुक्राणु 1 ml में जाते हैं, मतलब एक सेक्स के एक्ट में इतने बच्चे हो सकते हैं। होते ही क्या उतने नहीं, जिंदगी में आदमी 1 या 2 बच्चे करता है, कुछ लोग 3-4 बच्चे करते होंगे। फिर बाकी समय जो वीर्य योनि में जाता है उसका क्या होता है? बोले नहीं, पेट में जमा होता है। लोगों का अज्ञान देखो, पेट में, मतलब पेट में जमा होता है औरत के। तो बोले नहीं, पेट में जमा होगा, हाँ पेट में जमा होता है। फिर पेट तो बहुत बड़ा हो जाएगा, रोज सेक्स कर रहे पत्नी के साथ में, तो नहीं बोले वो बाहर निकलता है। तो फिर बाहर जब निकलता है इसमें, इसका मतलब ही शादी के बाद में वीर्य जो है वो वेस्ट होता है। बोले हाँ वेस्ट होता है। फिर हस्त मैथुन से क्या वीर्य कहाँ जाता है? फिर वो भी वेस्ट होता है। इसका मतलब वीर्य जो वेस्ट होता है उससे कमजोरी आती नहीं है। फिर ये जब पटाखे देते उनको लगता है हाँ बराबर है। तो ऐसा सेक्स में और हस्त मैथुन में एंड रिजल्ट सेम है, दोनों में भी वीर्य नाशी होता है। यदि सेक्स करने से कमजोरी आती नहीं है तो हस्त मैथुन से भी कमजोरी नहीं आएगी। और सेम जो है वह स्वप्न दोष का, नाइटफॉल का, कि नाइटफॉल में भी वीर्य जा रहा है और वो भी वेस्ट ही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि नाइटफॉल में जाओ, हस्त मैथुन से जाओ, या सेक्स में जाओ, वीर्य ये वेस्ट होने वाली चीज़ है। तो दोनों में वैसा फर्क नहीं है, मगर सिर्फ फर्क इतना ही है मास्टरबेशन और सेक्स में कि मास्टरबेशन जल्दी जल्दी किया जाता है, सेक्स आराम आराम से करते हैं, सेक्स में एंजॉय करते हैं, मास्टरबेशन में एंजॉय करते हैं, मगर मास्टरबेशन में अर्ज होती है कि जल्दी जल्दी फेंक दो, जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी रवाना करो। तो मास्टरबेशन टोटल टाइम ही बहुत कम होता है। यदि कोई मास्टरबेशन आराम आराम से करते हैं, एंजॉयमेंट करके करते हैं, तो वैसा दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, लोगों का ज्ञान दूर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।